तो गाइस, क्या आप लोगों को भी आपका जो मोबाइल फोन है योदी मोगी योजना के तहत आप लोगों को जो मिला है उसके अंदर आप लोगों को तार नॉक सिक्योरिटी पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स दिस एक्शन कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आपके सैमसंग के मोबाइल फोन के ऊपर या ओप्पो वीवो दोनों के ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड आपको इसके एरर के साथ साथ आपके जो यहाँ पे होम बटन है वो भी देखने को नहीं मिल रही। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम क्यों और किस वजह आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर यहां पे देखने को मिल रही है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो ट्रिक्स एंड मेथड मैं बताऊंगा उसको यूज करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है एंड आप लोगों को समझ में आ जाता है कि आप लोगों को ये एरर क्यों और किस वजह से आपके मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। बात करते हैं कि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आपके मोबाइल फोन के ऊपर देखने को क्यों मिल रही है, द नॉक सिक्योरिटी पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन दिस एक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम आपको किस वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप लोग वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना। वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे बट उनके सिर्फ अंदर बकचोदी की जा रही होगी, आपको इस फुल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा होगा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को यहां से ध्यान से देखना। अब आप जैसे नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर आप अबाउट फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आप लोग यहां पे क्या करना, आप लोग यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट चेक ऑन 18 मार्च। तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है रिस्ट्रिक्शन वाली एंड आपके जो होम बटन आपके मोबाइल फोन के ऊपर शो नहीं हो रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहे कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर यहां पे सॉफ्टवेयर आया जिसको आप लोगों ने अगर अपडेट कर लिया है तो आपको 100% ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिस बंदे ने भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपना यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा उसको 100% यहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। तो मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने इसको अपडेट कर लिया है, अपडेट करने के बाद अगर कोई सॉल्यूशन मुझे पता लगता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर जरूर बता दूंगा बनाकर। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलना एंड जिस बंदे ने यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया जल्दी से कमेंट में बताओ किस किस बंदे ने अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लिया और किस किस को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।